नमस्कार, आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, आपकी यूपी टेट की तिथि बहुत जल्द निर्धारित हो जाएगी और आप सभी साथी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पा रहे होंगे। प्यारे साथियों, आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए यूपी टेट गणित में हम एक ऐसी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम हर वीडियो में, हर क्लास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, ज्यामिति, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ज्यामिति में एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है बहुभुज। आप अगर पिछले वर्षों के पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग हर एक पेपर में बहुभुज से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार भी आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। आप सभी साथी हमारे साथ अंतिम क्वेश्चन तक बने रहेंगे। मैं आपको टोटल 10 प्रश्न कराऊंगा। इन प्रश्नों के माध्यम से ये टॉपिक बहुत आसान तरीके से कवर हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुभुज में हमारे तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। अंतःकोणों का योगफल आपसे पूछा जाता है, बाह्य कोणों का योगफल पूछा जाता है और साथ ही साथ विकर्णों की संख्या भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो बहुत शानदार तरीके से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए प्रश्नों को ही हम लेते हुए चलेंगे आगे, जिससे आपको वहीं पर मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखिएगा, आप सभी साथी इसका एक बार आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से आप सभी साथी आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है क्या, एक दशभुज के आंतरिक कोणों का योग का पता लगाएं। बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। देखिए, आंतरिक कोणों का योगफल, ध्यान रखेंगे आंतरिक कोणों का योगफल की छोटी सी ट्रिक होती है n माइनस टू और गुणे में 180 अंश। n माइनस टू गुणे में 180 अंश, ये क्या होता है, आंतरिक कोणों का योगफल होता है। जबकि n यहां पर क्या होता है, भुजाओं की संख्या। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में एक दशभुज है यानी भुजाओं की संख्या 10 कहलाएगी। आप आसानी से कर पाओगे, तो भुजाओं की संख्या अगर 10 लगा दोगे, 10 माइनस 2 और गुणे में लगा हुआ है आपका 180 अंश, तो प्यारे महारथियों आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। 10 में से 2 घटेगा, आपका 8 आएगा और 8 की गुणा 180 अंश से होगी तो 18 अट्ठे होता है 144, तो 1440 अंश क्या होगा, 10 भुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 1440 अंश होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे महारथियों, अगर आपसे सवाल में पूछा गया होता कि एक अंतःकोण की माप बताओ या प्रत्येक अंतःकोण की माप बताओ, तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम निकाल लेंगे योगफल, ठीक है, आंतरिक कोणों का योगफल इस तरह से निकालेंगे। अगर आपसे प्रत्येक या एक अंतःकोण पूछा गया होता, या मैं कहूं कि प्रत्येक अंतःकोण पूछा गया होता, प्रत्येक अंतःकोण की माप आपसे पूछी गई होती, तो मेरे प्यारे से महारथियों क्या करते, हम योगफल को भुजाओं की संख्या से भाग लगा देते। यानी कि अगर मैं कहूँ एक 1440 को भुजाओं की संख्या है 10, तो आपका 144 अंश एक कोण की माप होती। यानी प्रत्येक अंतःकोण की अगर माप आपसे पूछी जाएगी तो सबसे पहले हमें योगफल निकालना पड़ेगा n माइनस टू इंटू 180 डिग्री से, फिर हम उसको भुजाओं की संख्या से भाग लगा देंगे, हमारा प्रत्येक अंतःकोण की माप निकल आएगी। तो यहां पर आपने सीखा कि अगर हमसे अंतःकोणों का योगफल पूछा जाए तो कैसे करेंगे, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलो, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हर एक तरह का सवाल आपको करने को मिलेगा, बस आप अंतिम क्षण तक बने रहें, अंतिम सेकंड तक बने रहें। यकीन मानो, इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं पर भी बहुभुज से संबंधित प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस क्लास में इतने सवाल मैं आपको करा दूंगा कि बस इन्हीं प्रश्नों की सहायता से आप एग्जाम में आसानी से प्रश्न कर पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, एक नियमित नवभुज के बाहरी कोण का
माप क्या है। देखिए नौ भुज है, नवभुज का मतलब हो गया ऐसा बहुभुज है जिसमें भुजाएं कितनी है, नौ। भुजाओं की संख्या नौ है। कह रहा है एक बाहरी कोण, देखिए एक बाहरी कोण यानी प्रत्येक बाहरी कोण की माप पूछी गई है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं कहूं कि प्यारे साथियों बाहरी कोण, बाहरी या बाह्य बोल सकते हैं, बाहरी कोणों का योगफल कितना होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। बाहरी कोणों का योगफल ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, बहुत आसान सी बात, बाहरी कोणों का योगफल होता है 360 अंश। चाहे आपका वो चतुर्भुज हो, चाहे आपका पंचभुज हो, चाहे त्रिभुज, चाहे षष्ठभुज, कोई सा भुज हो, कितनी भी भुजाएं हो, हमेशा ध्यान रखेंगे बाहरी कोणों का योगफल होता है 360 अंश। जबकि आंतरिक कोणों का योगफल, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, n माइनस 2 ब्रैकेट में बंद करके 180 से गुणा करते हैं, लेकिन इसमें सीधा सिंपल सा तरीका ये है, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया एक बाहरी कोण, तो बहुत आसान सी बात एक बाहरी कोण पूछा गया है, यानी प्रत्येक बाहरी कोण पूछा गया है, तो योगफल को हम कितने से भाग लगाएंगे, भुजाओं की संख्या से भाग लगा देंगे, आपका आंसर बन जाएगा प्यारे महारथियों। तो देखिए क्या होगा, भुजाएं कितनी है, नौ भुजाएं हैं, तो नौ से भाग करो, नौ चौक 36, यानी कि 40 अंश क्या होगा बाहरी कोण की माप, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। अगर क्लास पसंद आए ना तो लाइक करेंगे सभी महारथी, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी आपको लग रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट से, बहुत जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए हर तरह का सवाल मिलेगा, आप निश्चिंत रहें, एक सवाल लास्ट में आपसे पूछूंगा, आप उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं प्यारी महारथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 अंश है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी गई है। देखिए आंतरिक कोणों का योगफल दे रखा है, और आंतरिक कोणों का योगफल मेरे प्यारे महारथियों हमने पढ़ा हुआ है ट्रिक, आंतरिक कोणों का योगफल एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ध्यान रखेंगे ये आंतरिक कोणों का योगफल की ट्रिक होती है, और यह ऑलरेडी हमें योगफल दे रखा है 1080, है ना, बहुत आसान सी बात, योगफल दे रखा है 1080, भुजाओं की संख्या हमसे पूछी है, तो बहुत आसान है बच्चों, यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 छक होता है 108, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू होगा 6 यहां से, और n इज इक्वल टू होगा 6 प्लस 2, आपका 2 उधर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी अष्टभुज होगा, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो प्यारे साथियों पहले सवाल में हमने पूछा आंतरिक कोणों का योगफल पूछा था, दूसरे सवाल में आपसे पूछा बाह्य कोणों का योगफल आपको 360 बताया, और उसमें एक बाहरी कोण पूछा गया था। इस सवाल में पूछा गया आपसे कि भाई भुजाओं की संख्या क्या है, आपको आंतरिक कोणों का यानी अंतः कोणों का योगफल दे रखा था 1080, हमसे भुजाओं की संख्या पूछी गई थी, बहुत आसान सी बात आप यहां पर समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 और भी शानदार प्रश्न है, किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 144 अंश है, प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 144 अंश है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। देखिए पिछले सवाल में हमें आंतरिक कोणों का योगफल दे रखा था, इस सवाल में प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है, यानी एक आंतरिक कोण, तो समझना बहुत आसान सी बात है। देखो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, समझना 180 डिग्री ये होता है योगफल, ठीक है ना, ये होता है आंतरिक कोणों का योगफल, बहुत बढ़िया। अब हमें एक कोण निकालना है या प्रत्येक कोण निकालना है, तो उसको भुजाओं की संख्या से भाग करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, योगफल निकाल के उसको भुजाओं की संख्या से भाग करेंगे, भुजाओं की संख्या है यहाँ पर n, और प्यारे साथियों ये कहलाएगा आपका एक कोण, यानी ये दे रखा है 144 अंश, इतना समझ में सबको आ रहा होगा, बहुत आसान सी बात, ये पढ़ा है हमने योगफल, अगर एक कोण निकालना है तो भुजाओं की संख्या से लगा देंगे भाग। अब मेरे प्यारे साथियों 18 से भाग कर लो, 18 धाई होता है 180, और 18 अट्ठे होता है 144, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 5 से गुणा कर लेंगे, 5n माइनस 5 दूनी 10 अंश बराबर, ठीक है 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे,
और 4 से गुणा करो तिरछी 4n। अब देखो यहां पर इसको इधर लाओगे 5n माइनस हो जाएगा 4n इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाओगे तो 10 कहलाएगा। यहां पर 5n में से 4n घटेगा तो केवल आपका n बचेगा, केवल n बचेगा और इधर बचेगा 10, तो भुजाओं की संख्या इसमें हो जाएगी 10, यानी 10 भुज होगा। बहुत आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। देखो भाई एक बार फिर समझ लो, हमें आंतरिक कोणों का योगफल की ट्रिक मैंने आपको ये बताई है, n इंटू एन माइनस टू इंटू 180। जो हमें एक कोण निकालना होगा तो भुजाओं की संख्या से भाग लगा देंगे, तो भुजाओं की संख्या यहाँ पर कितनी है n, और एक कोण की माप हमें दे रखी है 144 अंश। हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, 5 आया 4 आया, 4 से गुणा होगी 4n कहलाएगा, 5 से गुणा होगी 5n, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 4n आपका इधर आएगा तो माइनस का 4n होगा, उधर जाएगा 10 तो प्लस का हो जाएगा, 5n माइनस 4n आपका n कहलाएगा और n इज इक्वल टू हो गया 10। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर फटाफट से, बिल्कुल बहुत शानदार बहुत जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्लास पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर जरूर करेंगे सभी साथियों के लिए। हाँ भाई बहुत बढ़िया आसान सा टॉपिक है ये, जिससे आपके, फिर से बोल रहा हूँ कि हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर छोटे छोटे प्रश्न आप आपको आने लग जाए तो यकीन मानो आपका स्कोर 30 में 30 नंबर भी आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ये बेहतरीन सवाल है। किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोण का अंतर 150 अंश है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए आंतरिक कोण या अंतः कोण बोल सकते हैं, अंतः कोण यानी अगर एक अंतः कोण की बात करें और प्लस बाह्य कोण, प्लस बाह्य कोण दोनों का योगफल होता है प्यारे साथियों 180 अंश। ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लें कि भाई किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों या ये प्रत्येक आंतरिक कोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। बात सबको समझ में आ रही है। अब इन्होंने आंतरिक कोण और बाह्य कोण में अंतर दे रखा है 150 अंश। देखो कैसे करेंगे, समझेंगे ध्यान से। देखो अगर मैं आंतरिक कोण को x बोल दूं और बाह्य कोण को y बोल दूं तो x प्लस y आपका कहलाएगा 180 अंश, जबकि दोनों का अंतर हमें सवाल में दे रखा है 150 अंश। देख पा रहे हैं आप लोग, नहीं, आंतरिक कोण हमने x बोल दिया, बाह्य कोण हमने y बोल दिया, और इनका योगफल होता है 180 अंश, होता ही होता है, और इनका अंतर दे रखा है 150 अंश, है ना, इनका अंतर आपको दे रखा है 150 अंश। अब आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या, तो एक काम कर लेते हैं पहले प्यारे साथियों, भुजाओं की संख्या कैसे निकाली जाएगी, बहुत आसान तरीके से। एक काम कर लो, अगर इसको सॉल्व करने जाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, यहाँ पर x और x होगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 330 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, दो से कैंसिल करो, दो एकम दो, एक बचेगा 13 हो जाएगा, दो छंग 12, दो पंजे 10, तो x बराबर आ गया 165 अंश। x कितना आ गया, 165 अंश आ गया प्यारे महारथियों। बहुत आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं, ये हमने क्या माना है, ये आंतरिक कोण माना है, यानी आंतरिक कोण मतलब ये आपका 165 अंश आया, और आंतरिक कोण की माप होती है, आंतरिक कोण की माप होती है प्यारे साथियों n माइनस टू इंटू 180, ये होता है योगफल, और इसको भुजाओं की संख्या से भाग लगा देते हैं तो ये एक आंतरिक कोण कहलाता है, और ये हमें दे रखा है 165, अभी हमने निकाला है। अब इसको सॉल्व कर लो, फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा, फटाफट से आंसर। अगर आप इसको और आसान करना चाहते हो, चाहो तो ऐसे कर लो, मुझे लगता है कि और आप आसान कर सकते हो। कैसे आसान करोगे, देखो भाई, देखो आंतरिक कोण कितना है 165, समझना आंतरिक कोण 165 है तो बाह्य कोण कितना होगा, सीधी सी बात है, ये हमारा, ये अगर 165 है, अभी हमने निकाला, ये कितना आ रहा है 165 आ रहा है, और यहां पर क्या जोड़ें जो 180 हो जाए, यानी बाई निकाल सकते हो आसानी से, कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा आसानी से ना, बाई कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि भाई दोनों का योगफल कितना होता है, आंतरिक और बाह्य कोणों का योगफल होता है 180 अंश। अगर आपका आंतरिक कोण 165 है तो बाह्य कोण 15 हो गया। अब समझना, मैंने आपको एक बात बताई है, बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 अंश, ठीक है, बाह्य कोणों का योगफल होता है 360। एक कोण निकालोगे
एक कोण निकालोगे तो उसको भुजाओं की संख्या से भाग करोगे, और ये कोण हमारे पास है कितना भाई, ये कोण 15, 15 से भाग करो, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, तो n यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इससे आसानी से सवाल हो गया। अगर हम अंतः कोण वाले से कंसेप्ट लगाएंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे थोड़ा सा सवाल आपका आसान हो गया, समझ में सबको आ रहा होगा, सवाल बेहतरीन सवाल है। देखिए 360 होता है बाह्य कोणों का योगफल, और हमने एक बाह्य कोण निकाला है 15, तो हमें एक बाह्य कोण कैसे बनेगा, भुजाओं की संख्या से लगाएंगे भाग, तो 360 माइनस एन बराबर 15 हो गया, एन यहां से हो गया हमारा 24। एक और सवाल देखो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आप बस बने रहो, बेहतर तरीके से आप सीख के जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से सभी साथी सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, किसी बहुभुज, इस तरह के सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है इस बार, इसलिए विशेष तौर पर इन दो तीन प्रश्नों पर, आने वाले प्रश्नों पर बहुत ध्यान से फोकस करना है, समझना है। किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और उसके आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 5 गुना है। समझ पा रहे हैं आप लोग सवाल को? नहीं, बहुत आसान तरीके से आप कर पाओगे, यकीन मानो बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। सवाल है क्या, कह रहे हैं बहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण का 5 गुना है। देखो आंतरिक कोण का मतलब पहले योगफल लिखो, आंतरिक कोण का मतलब ये होता है योगफल, ये होता है योगफल, ठीक है। अगर एक आंतरिक कोण निकालना है तो इसको भुजाओं की संख्या से लगा दोगे भाग, ठीक है, ये एक हो गया। बाह्य कोण का योगफल होता है 360 अंश, और एक कोण निकालोगे बाह्य तो भुजाओं संख्या से भाग लगा दोगे, ठीक है। तो कह रहे हैं आंतरिक कोण मतलब ये वाला जो कोण है बाह्य कोण का कितना गुना है, 5 गुना है, ये आपसे बन रहा है। तो जैसे बोला मैंने वैसे लगा दिया, आंतरिक कोण बाह्य कोण का 5 गुना है। प्यारे साथियों एन से एन उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36 यानी 180 दूनी 360, 5 दूनी हो गया 10, तो एन माइनस 2 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 होगा, और एन यहां से हो जाएगा 10 प्लस 2 यानी कि एन इज इक्वल टू 12 आपका आंसर हो जाएगा, 12 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला इसमें एकदम से ठीक जवाब हो जाएगा। एक और प्रश्न देखो इस तरह का आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आप लोग ट्राई करके देखो फटाफट से एक बार, सभी साथी ट्राई करके देख सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, जल्दी से बताओ कितना आंसर हो सकता है। ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। कह रहे हैं किसी बहुभुज का आंतरिक कोण का योगफल, ठीक है, अब इसमें योगफल की बात हो रही है, तो आंतरिक कोण का योगफल यानी n माइनस 2 इंटू 180 होता है। पिछले सवाल में एक कोण की बात हो रही थी तो हमने n से भाग करना पड़ा था, इस बार योगफल की ही बात कर रहे हैं, तो योगफल हमारा होता है n माइनस 2 इंटू 180। योगफल क्या है, बाह्य कोण का मतलब 300, बाह्य कोण का योगफल होता है 360 अंश, इसका 2 गुना है। समझ में आ रहा सवाल आपको? नहीं, आंतरिक कोणों का योगफल ये, बाह्य कोणों का योगफल ये, उसका 2 गुना है आंतरिक कोणों का योगफल। 180 दूनी हो गया 360, 2 दूनी कितना 4, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो n बराबर हो गया 6, n बराबर 6, ऑप्शन नंबर डी इसमें से ठीक जवाब हो जाएगा। सभी साथियों के लिए समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और बेहतरीन सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आठ देखिएगा, बहुत मैं आपको लास्ट में रिवाइज भी करके दूंगा कि कौन कौन से फार्मूले, कौन कौन से ट्रिक मैंने आपको बताई है, आप बस बने रहो, यकीन मानो आप आसानी से क्लास में ही पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे, क्लास एंड होने से पहले आपको सभी ट्रिक याद भी हो जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। किसी बहुभुज का बाह्य तथा आंतरिक कोण का अनुपात 1:17 है, तब भुजाओं की संख्या पूछी गई है। देखिए फिर से देखिए, आंतरिक कोण बाह्य कोण मतलब पहले बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण का मतलब हो गया 360, ये योगफल है, जब योगफल की बात करेंगे तो 360 अंश, ठीक है, जब बाह्य कोण की बात करेंगे तो 360 बटे एन, ठीक है, अपॉन, समझना बहुत अच्छे से। आंतरिक कोण का योगफल की बात करेंगे तो एन माइनस 2 इंटू 180, जब एक कोण की बात करेंगे आंतरिक कोण की बात करेंगे तो भुजाओं की संख्या से भाग, इन दोनों में अनुपात कितना है, 1:17 है, 1:17 है, तो एक ऊपर आएगा अनुपात, 17 नीचे आ जाएगा। देखो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
180 दूनी हो जाएगा 360, यानी कि दो ऊपर आ रहा है और नीचे n माइनस टू बचा, और गुणे क्यों आएगा, इक्वल का साइन आएगा, इक्वल 1/17 आ जाएगा। बहुत आसान सी बात, n से n कैंसिल, 180 दून 360 हो गया, दो ऊपर रह गया n माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से n माइनस टू, n माइनस टू एकम n माइनस टू, 17 दूनी हो जाएगा 34, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 34 प्लस 2 यानी कि 36, 34 प्लस 2 यानी कि 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम से ठीक जवाब हो रहा है। तो देखिए, हर तरह का सवाल लिया है, इन्हीं सवालों में से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, यदि एग्जाम में प्रश्न इस टॉपिक से आएगा तो इसी में से आएगा, आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि मैंने हर एक तरह का सवाल लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आप इसको कॉपी पर नोट अवश्य कर लेंगे और इसको दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे, यकीन मानो बहुत आसान तरीके से आप इस तरह के जितने ही प्रश्न आप लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा है, करे अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, मैं एक सवाल भी आपको कराऊंगा अभी, जो आपका यूपी टेट में पूछा हुआ सवाल है, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको दूंगा और आपको दोनों के आंसर देने होंगे आपके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, या मैं करा दूंगा एक सवाल को आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या। तो देखिए, अगर आपसे विकर्णों की संख्या पूछी जाए तो बहुत छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, विकर्णों की संख्या प्यारे साथियों कैसे निकाली जाती है, n इंटू एन माइनस थ्री। ठीक है, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। एन क्या है, भुजाओं की संख्या। जैसे अष्टभुज की बात करेंगे तो अष्टभुज में भुजाएं हो जाती हैं 8, तो n का मान कितना लगा दोगे, 8। देखिए, तो 8 लगाया यहाँ पर, 8 माइनस 3 लगाएंगे और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 चौक हो जाता है 20। तो प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, आपके अगर पूछे अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं तो 20 विकर्ण होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल और समझना चाहो, जैसे मैं चतुर्भुज है, चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालोगे, 4 माइनस 3 अपॉन 2, 2 दूनी 4, और 4 में से 3 जाएगा 1, 1 की गुणा 2 से होगी 2 हो जाएगा। और विकर्ण देखो, चतुर्भुज है, चतुर्भुज कोई सा बना लो आप ऐसे करके, तो एक तो विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। विकर्ण क्या होता है, आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली रेखा, जिसको बोलते हैं डायगोनल इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये कहलाते हैं विकर्ण। तो इसमें 2 विकर्ण हो रहे हैं, और देखो हमने 2 निकाला, चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं, 2, अष्टभुज में कितने होते हैं, 20। ऐसी करके आप किसी भी बहुभुज, भुजाओं की संख्या 6 है तो 6 लगा दोगे यहाँ पर, 7 भुजाएं तो 7 लगा दोगे, 8 भुजाएं 8 लगा दोगे, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, एक प्रश्न जो आपके यूपी टेट में पूछा गया था, आपसे पूछा गया था पंचभुज में अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे इसे दोस्तों, आप जल्दी से आंसर बताओगे इसका कमेंट सेक्शन में, क्या आंसर होगा, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो। देखो जरा, पंचभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, तो भुजाएं कितनी होगी पंचभुज में, 5। ठीक है, और आंतरिक कोणों का योगफल होता है n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, यही तो होता है, तो भुजाओं की संख्या लगा दो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 3 बचेगा, और 180 गुणा 3 से होगी 540 अंश। ये सवाल आपका यूपी टेट में पूछा हुआ सवाल है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो, इस तरह का सवाल बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बहुत आसान तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं भुजाओं की संख्या, यानी 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज के, 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, का पता लगाएं। तो सभी महारथी इसका आंसर जरूर देंगे, भुजाओं की संख्या है 12 और आंतरिक कोणों का योगफल आपसे पूछा गया। तो इस तरह से हमने 10 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया, 10वें प्रश्न का आपको आंसर भी देना है कमेंट सेक्शन में, सभी को आंसर देना है। अब एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ फटाफट से, देखो मैंने कहा आंतरिक कोणों का योगफल, तो आंतरिक कोणों का योगफल होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है आंतरिक कोणों का योगफल। ठीक है, अगर मैं कहूँ बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 अंश। ठीक है, ये बाह्य कोणों का योगफल होता है
बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360, और ये होता है आंतरिक या अंतः कोणों का योगफल। बात एक ही है, आंतरिक कोणों का योगफल ये कितना होता है n माइनस 2 इंटू 180। अगर आपसे पूछे कि एक अंतः कोण बताओ, एक आंतरिक कोण बताओ, तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, योगफल को, जो योगफल निकाल लेंगे पहले हम लोग, फिर उसको भुजाओं की संख्या से भाग लगा देंगे। अगर एक बाह्य कोण पूछेंगे तो 360 को भुजाओं की संख्या से भाग लगा देंगे। हमने विकर्णों की संख्या निकालना सीखा, तो विकर्णों की संख्या होती है n n-3 अपॉन 2, क्या होता है, ये विकर्णों की संख्या होती है। इसके बाद मैंने आपके साथ एक और बेहतरीन आपके साथ बात डिस्कस की, छोटी सी बात, कि अंतः कोण यानी एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण दोनों का योगफल कितना होता है, अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ध्यान रखेंगे, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योगफल होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। मैंने बताया था एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण, प्रत्येक अंतः कोण प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल कितना हो जाता है, 180 अंश हो जाता है। डायरेक्ट सवाल थ्योरी पर आधारित आपके एग्जाम में बन सकता है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, इसी तरह से और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, लेकिन आप सभी से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको ज़रूर अपने साथियों को शेयर करें। मुझे उम्मीद है अगर आपको पसंद आई है तो आप सभी ने लाइक भी कर दिया होगा। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।